गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला टॉपिक देखते हैं और यह है इंटरनल रेसिस्टेंस। इस वीडियो को मैं ला रहा हूँ, मेरा नाम है सुधीर। तो हम लोग समझते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट विद इन द सेल इज नोन एज इंटरनल रेसिस्टेंस। तो बोलता है कि सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है, उस रेसिस्टेंस को हम लोग नाम दे देते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। अब हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस को और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हम लोगों के पास एक सेल है। इस सेल में दो इलेक्ट्रोड हैं। ये हम लोग पास दो इलेक्ट्रोड हैं। एक कैथोड है और एक एनोड है। ठीक, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं। इस सर्किट को अगर कंप्लीट करेंगे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इस दोनों टर्मिनल को, इस दोनों टर्मिनल को जोड़ दिए। अब इस सेल के अंदर, इस कंपार्टमेंट में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जैसे NaCl, H2SO4 एटसेट्रा, कुछ भी होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तो यहाँ से करंट निकला, इस डायरेक्शन में चला, तो इस इलेक्ट्रोड से, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर करंट चला। अब अंदर में कैसे जाएगा? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आएगा, लेकिन यहाँ इसको बीच में क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रोलाइट मिल रहा है। तो देखो, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, ठीक है। तो करंट अब इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आएगा, ठीक, किसके थ्रू आएगा? बीच में इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आएगा, यानी नेगेटिव टर्मिनल तक करंट आया। अब इस पॉजिटिव टर्मिनल तक आना है तो उसको किसके थ्रू पास होना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू पास करना पड़ेगा, तब जाकर के इस इलेक्ट्रोड में आएगा, तब सर्किट हम लोग का कंप्लीट होगा। इस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जितना भी रेसिस्टेंस ऑफर किया जाएगा, उस रेसिस्टेंस को हम लोग नाम दे देते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग का क्या डेफिनेशन बोलता था? रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइट विद इन द सेल। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, इन सारे इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, उसी रेसिस्टेंस को हम लोग नाम दे देते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।